सतलुज जल विद्युत निगम अपनी स्थापना के 33 वर्ष पूरे कर चुका है। 1988 में एक प्रोजेक्ट से हुई शुरुआत से SJVN के पास आज भारत, नेपाल व भूटान में 32 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। वहीं प्रदेश में SJVN का 5,000 करोड़ का निवेश किया गया है। अगले 5 सालों में 23,000 करोड़ का निवेश विद्युत परियोजनाओं पर किया जाएगा। यह जानकारी SJVN के प्रबंध निदेशक नंदलाल ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। 32 प्रोजेक्ट, एक लोकेशन नाथवा झाकड़ी, आज 32 लोकेशन, और ये 32 लोकेशन भारतवर्ष में 7 प्रांतों में, 7 प्रदेशों में और 3 देशों में, भारत सहित, भारत के अलावा नेपाल और भूटान, एक लोकेशन से 32 लोकेशन, 7 प्रांत, 3 देश और इन्वेस्टमेंट जो हमने 3,000 करोड़ से शुरू की थी, आज 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट SJVN के निर्माणाधीन है। जब हमने शुरू किया था 1500 मेगावाट नाथवा झाकड़ी से, आज 3300 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन है और टोटल पोर्टफोलियो जिसको हम कहें जो 1500 मेगावाट से शुरू हुआ था, आज 11,000 मेगावाट। और ये तमाम उपलब्धियां जिसको कहूं कि कितनी मैन पावर से कर रहे हैं, जब हमने 1500 मेगावाट शुरू किया था, एक लोकेशन एक प्रोजेक्ट, 2500 लोग, आज 32 लोकेशन 32 प्रोजेक्ट, 35,000 करोड़ रुपए का निवेश परियोजनाएं जो निर्माणाधीन है, उसमें 2500 लोग थे, आज 1500 लोग हैं। तो आप मेरे मैन पावर प्रोडक्टिविटी का भी हिसाब लगा सकते हैं। ये एक यात्रा है 33 वर्षों की, और इन 33 वर्षों में जब हमने शुरू किया था पहला प्रोजेक्ट, तो उसमें तो निवेश ही कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। 2003-04 में लाभ अर्जित शुरू हुआ जब नाथवा झाकड़ी की परियोजना कमीशन हुई थी, और शेयर होल्डर्स जो पहले भारत सरकार और हिमाचल सरकार थी, 2010 में पब्लिक भी शामिल हो गई, लिस्टेड कंपनी हो गई, और शेयर होल्डर्स की इक्विटी 3,930 करोड़ रुपया है, और हम शेयर होल्डर्स को 8,400 करोड़ डिविडेंड के रूप में आज तक दे चुके हैं, और कंपनी का मार्केट कैप जिसको कहेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, वो 11,000 करोड़ है। तो 3,930 करोड़ रुपए का शेयर होल्डर्स का निवेश, उसके ऊपर 8,400 करोड़ हम डिविडेंड दे चुके हैं, और 11,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप जिसको कहेंगे मार्केट की वैल्यूएशन, मार्केट में SJVN की वैल्यूएशन, ये उपलब्धि 33 वर्ष की रही है। एक छोटी सी कंपनी जो 33 वर्ष पहले जिसकी शुरुआत हुई थी, आज एक वट वृक्ष बन चुकी है, और इससे भी बड़ा विस्तार हमारी योजनाओं में है। मैं अगर इसको विभाजित करूं आज तक के सफर को, आज की जो प्रेस वार्ता है आप लोगों के साथ, हमारा 29 तारीख को अभी 33वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी शेयर होल्डर्स की, और उसके बाद हम हर वर्ष एनुअल प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ करते हैं, उसी श्रृंखला में हम सभी आपके सम्मुख हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।